उसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है, इस तरह से कुंडलिनी मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है और किस तरह से उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो, अहंकार और प्रत्यहंकार सर में इकट्ठे होकर के और उसके सर में एक तरह का पिंजरा बना देती है, जिसके कारण वो इस सर्वव्यापी परमात्मा के प्रकाश से अलग होकर के अपना व्यक्तित्व बनाता है। हम अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग, एक उसकी एक विशेष तरह की रचना मनुष्य के त्रिकोणाकार सर में होती है, उसके अंदर तीन शक्तियों का प्रवेश होता है। उन तीन शक्तियों को हम शास्त्र के अनुसार महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। लेकिन इन शक्तियों में से एक शक्ति सृजन करती है जिसे हम महासरस्वती कहते हैं, महाकाली हमारी स्थिति बनाती है जिससे हम एग्जिस्ट करते हैं, और महालक्ष्मी की शक्ति से हम आज पत्थर से मानव हो गए। हमारी उत्क्रांति हुई, हमारा इवोल्यूशन हुआ। एक सोने में भी धर्म है, सोने का धर्म है, आप जानते हैं कि वो कभी भी खराब नहीं होता, उसका पीलापन उसका धर्म नहीं, लेकिन धर्म उसका है कि वो कभी भी खराब नहीं होता, इट डज नॉट टार्निश। इसी तरह से मानव का भी धर्म, ये धर्म बदलने का काम महालक्ष्मी जी का है और श्री विष्णु का है, जो अंत में विराट स्वरूप में प्रकटित होते हैं। अब मानव में आपको आश्चर्य होगा कि इस परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था, आप इससे अज्ञात हैं, कुछ डॉक्टर लोग तो जानते ही हैं, लेकिन वो सिर्फ यही कहते हैं कि वी कैनॉट एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन। मनुष्य के अंदर परमात्मा ने बड़ी सुंदर रचना, उसके ब्रेन से लेकर नीचे तक मज्जा तंतु तक एक ऑफिस सा खोल दिया है समझ। अब आप कहेंगे कि श्री गणेश कौन होते हैं, श्री गणेश है या नहीं, हम कैसे माने? ठीक बात, आपने श्री गणेश को देखा नहीं, आपने उनको जाना नहीं, आपको नहीं मानना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी चीज है कि जब तक आप अंदर आते नहीं आप उसको देख सकते नहीं, जब तक आप बाहर खड़े हैं आप उसको मानते नहीं। जैसे कि समझ लीजिए आप बाहर खड़े हैं और आपने हमें देखा नहीं और आप कहें माता जी को कैसे माने कि वे हैं, तो हम कहेंगे कि आप अंदर आइए तब आप देखिए, तो आप कहेंगे नहीं हमें बाहर ही लाके दिखाइए। जब उनकी सत्ता अंदर ही है तो आपको ही तो अंदर आना होगा ना, जब तक आप अंदर जाकर के देखिएगा नहीं तब तक आपको ये चीज दिखाई। तो सबसे पहले सारी सृष्टि बनाने से पहले, आदि कुंडलिनी बनाने से पहले, सारा संसार बनाने से पहले श्री गणेश जी की स्थापना की। वे स्वयं साक्षात पवित्रता के पूर्ण अवतार, वे अपने अंदर स्थित हैं, उसको देखने के लिए आपके पास चक्षु नहीं, वे अपने अंदर मूलाधार नाम के सेंटर पे जहां की प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करती है, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हरेक इंसान में प्रतिबिंबित है, जागरूक नहीं हो चाहे सूखते ही हो लेकिन वे वहां पर है। ये देवता ऐसी हैं कि कभी भी पूर्णतया सुप्त होती ही नहीं, जब तक मानव राक्षस न हो जाए, बिल्कुल ही राक्षस हो जाए तब तो वो वहां से लुप्त ही हो जाते हैं, नहीं तो हरेक मानव के अंदर श्री गणेश विराजते हैं। ये पहला हमारे अंदर का सेंटर है जिसे कि मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूलाधार, आप तो सब संस्कृत के पंडित हैं, मूल माने रूट और आधार माने सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ द रूट, रूट ऑफ दिस क्रिएशन, उसके सपोर्ट पर बैठे हैं श्री गणेश। इनको इसलिए सबसे पहले बनाया गया क्योंकि सारा संसार पवित्रता से लिपट जाए, पवित्रता में और इनोसेंस में, भोलेपन में डूबा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी इतने भोला होना ठीक नहीं, आपको कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं, आपको प्रैक्टिकल सेंस होना चाहिए, भगवान से बढ़ के कोई और अधिक प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप में जितनी भी अकल आई है उसका स्रोत वही है, अंतर इतना ही है कि वो सुबुद्धि का, विजडम का स्रोत है, मूर्खता का नहीं।
जिसको आप बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं वो महामूर्खता की बात है। अंत में आप महामूर्ख साबित हो जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त आप महामूर्ख साबित होते हैं जबकि आप वापस नहीं आते। आप अपने को बहुत अकलमंद समझ करके संसार में चलते हैं। एक गणेश जी की सूंड हिल जाते ही सारी आपकी 400 बीती ऐसी उल्टी घूमती है कि सीधे आप नर्क में जाकर पहुंचते हैं। भगवान से चालाकी नहीं चलती। एक बार अनेक बार आप उससे झूठ बोले, मैं तो माँ हूं, मैं माफ कर ही देती हूं, लेकिन श्री गणेश वो बहुत होशियार आदमी है तो बिल्कुल बच्चों जैसे, इटरनल चाइल्डहुड के वो प्रतीक। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आप अपने उत्थान की बात सोचें, परमात्मा की बात सोचें, तब एक छोटे बच्चे जैसे, विशेषकर सेक्स के मामले में। गणेश जी का प्रतीक पेल्विक प्लेक्सस में आने का मतलब ही होता है कि सेक्स का और परमात्मा का कोई भी संबंध होता ही नहीं। जो लोग आपको इस तरह की गलत उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं उनके चक्कर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब राक्षसों के अवतार, 16 राक्षसों ने संसार में जन्म लिया है और अपने को महागुरु बनकर के घूम रहे हैं। सब पैसे कमाने के धंधे, इनके अपने अपने चक्कर हैं, इन चक्करों में खुद फंसेंगे, लेकिन अपना आखिरी हाथ आखिरी दाव लगाना चाहते हैं कि कितने महामूर्ख उनके बातों में फंसने वाले। सेक्स का और परमात्मा का कहीं भी संबंध नहीं है, ये जताने के लिए श्री गणेश वहां पर बैठे हुए हैं अपनी माँ की रक्षा करने के लिए, जो अपने घर में आपके हरेक इंसान के त्रिकोणाकार अस्थि जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे में है, उस घर के सामने बैठे हुए हैं। वो घर आपकी माँ का है, इसका नाम कुंडलिनी है, जो गौरी स्वरूप। जो इंसान गणेश जी को वंदना करता है वो इस बात को समझता है कि माँ का स्थान कितना ऊंचा है और सेक्स से बिल्कुल संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी इस बात को खूब समझता है, और जो आदमी इस तरह की हरकत करता है उसे श्री गणेश इस तरह से ताड़ना देते हैं कि ऐसे लोगों की जब कुंडलिनी उठती है तो सारे के सारे जल जाते हैं। कुंडलिनी तो नहीं उठती उनकी, कुंडलिनी क्या बेवकूफ है उठने के लिए, लेकिन वो गणेश की जो हीट चलती है, वो जो गर्मी चलती है, वो सारे के सारे उन्हें जला देते। आदमी मेंढक जैसे कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है, कपड़े उतार देता है, चीखने लगता है। ये सब लक्षण अत्यंत घृणित तरह के लोगों से होते हैं। ये लोग स्वयं भूत पिशाच हैं, संसार में आकर के पाप फैला रहे हैं। जो पाप है वो पाप ही है और जो धर्म है वो धर्म है, दोनों का मिक्सचर नहीं हो सकता। धर्म को अधर्म बनाना, पुण्य को पाप बनाना, यही कार्य ये लोग कर रहे हैं, और वो कार्य सफलीभूत इसलिए ही हो रहा है कि आप लोग भी इसमें अपनी वीकनेसेस को अच्छे से संभाल सकते हैं। भगवान के नाम पे सेक्स हो तो और क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात। गांजा पी रहे भगवान के नाम पर, क्या कहने। कंफ्यूजन, इस तरह का गोलमाल, यही कलयुग का नाम। थोड़ी सी गलती जरूर हो गई थी आदिकाल में, कुछ लोगों ने मूलाधार चक्र में श्री गणेश के सोंड को ही कुंडलिनी समझा था, हो गई थी गलती उनकी, लेकिन उस गलती को कहां तक लोग खींच गए, क्योंकि पेल्विक प्लेक्सस का संबंध सेक्स से है, उन्होंने सेक्स का संबंध कुंडलिनी से लगा दिया, उसी से तांत्रिक बन गए, मांत्रिक बन गए। ये सब राक्षस है, मानव के अवतार में ये सारे के सारे राक्षस हैं, इनके से बच के रहे, अपने बच्चों को बचाए। दादर में भी ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूं, मैंने दादर में बहुत काम किया। ये लोग पैसा लेते हैं, दूसरों पे तंत्र विद्या करते हैं और मंत्र विद्या करते हैं। वास्तविकता, जब तक मनुष्य अत्यंत पवित्र न हो वो श्री गणेश के चरणों तक नहीं जा सकता। ये लोग गणेश को सामने रखते हैं और गणेश की पूजा करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, और भूतों को बुलाते हैं।
ये किस तरह से? जब अनधिकार चेष्टा होती है, जब कोई अपवित्र मनुष्य परमात्मा को इस तरह से छलना करता है और बार बार उसे याद करता है, तो गणेश स्वयं ही वहां सुप्त हो जाते हैं।